जब भी कभी भाई वीकेंड में दोस्तों या फैमिली के साथ मूवीज देखने की मूड होती है, सबसे पहले नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन खोलती है। और क्यों ना भाई, नेटफ्लिक्स अपने क्वालिटी से हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करती, पर इतनी सारी कंटेंट में ना भाई अपनी पसंद की कंटेंट ढूंढने में ही पूरा समय निकल जाता है, जिसमें मदद हम आपकी करेंगे। और बेफिक्र रहिए, कंटेंट में सिर्फ क्वालिटी ही होंगी, तो एक भी मिस मत करना। और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर जरूर रखना। नंबर 5 की मूवी की कॉन्सेप्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग और खतरनाक सी है। साईफाई के साथ अगर पास्ट एंड फ्यूचर वाली वो थ्रिल हो तो मूवी इंटरेस्टिंग होती है। 2019 की साईफाई थ्रिलर के साथ इन द शैडो ऑफ द मून। शहर में हर एक 9 साल के बाद एक ही जैसा मर्डर फिर से हो रहा है, और भाई किलर इतनी आसान मौत नहीं मार रहा, विक्टिम का दिमाग पिघलाकर मार रहा है एकदम खतरनाक तरीके से। आखिर इतिहास उस मर्डर को 9 साल बाद फिर से क्यों दोहरा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, और ये किलर है कौन, और मर्डर कर 9 सालों तक कहां गायब हो जाता है, जिसे पता लगाना है एक डिटेक्टिव को। अगर आप इस बार मिस किए तो वो किलर फिर से 9 साल बाद आएगा, जिसकी कॉन्सेप्ट खतरनाक है। मूवी को एक ट्राई जरूर दे सकते हैं, बस क्लाइमेक्स में यार एकदम से जज्बात बदल जाती है। बाकी ठीक ठाक मूवी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। भाई मूवी देखते वक्त दिमाग में आया कि लिस्ट में क्यों ना हम जैसे ठरक फैंस के लिए एक मूवी रखा जाए। ये नंबर 4 की मूवी 18 प्लस फैंस के लिए ट्रीट। एकदम खुलम खुला नेटफ्लिक्स की तरफ से रोमांस ड्रामा के साथ लेडी चैटरली लवर। स्टोरी हमारे लीड एक्ट्रेस उनके हस्बैंड वॉर में इंजर्ड होने के बाद अब लेडी चैटरली किसी और के प्यार में पड़ चुकी है। उसके बाद भाई क्या बताने की जरूरत है, प्यार लव रोमांस सेक्स का भूचाल देखने को मिलेगा। मूवी में ये बिल्कुल मत समझना एक या दो बोल्ट या आइडल सीन दिखाकर हमें काटा जाए। एक बार स्टार्ट होती है तो आपको सेटिस्फाई कर छोड़ती है, और अकेले देखना पूरे बॉडी में तहलका मचा सकती है। तो थोड़ी इमोशंस को कंट्रोल करना और कोना पकड़ कर देखना। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी ने भाई साईफाई जॉनरा के साथ रोमांस देखने को मिल जाए तो वो मूवी सीधा हिट करती है। ये मूवी आपको डेफिनेटली हिट करेगी, जिसके हिंदी डबिंग हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया साईफाई रोमांस ड्रामा के साथ द एडजस्टमेंट ब्यूरो। अगर आप साईफाई के साथ वो लव वाली इमोशंस को फील करना चाहते हैं कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, तो एक ट्राई जरूर देना। हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी भाई कोरिया की इमेजिनेशन एक अलग ही लेवल पे चलती है। अगर आप प्राइम वीडियो की अपलोड वेब सीरीज देखी होगी तो इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा मिलता जुलता देखने को मिलेगा, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया कोरिया की तरफ से साईफाई ड्रामा के साथ वंडरलैंड। मूवी की कॉन्सेप्ट भाई फ्यूचरिस्टिक है, जहाँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है एआई की मदद से किसी का भी वर्चुअल वर्जन बना सकते हैं, उससे भाई आप बातें कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ना भाई कोरिया कैरेक्टर के बीच क्या ही इमोशंस को पकड़ी है, और क्यों ना भाई साईफाई के साथ वो रोमांस वाली एंगल मैचअप होती है तो देखने में मजा आता है। जिसकी सबसे बेस्ट पार्ट लगी इसके कॉन्सेप्ट, रियल दुनिया में तो नहीं पर उस वर्चुअल की दुनिया में आप हमेशा जिंदा रह सकते हो। फिर भाई इंसानों का इमोशंस का क्या, ये सही है या फिर गलत। जिसकी दूसरी पॉजिटिव पॉइंट है भाई इसके स्टार कास्ट एक से बढ़कर एक। बस मूवी मात खा जाती है अपने स्टोरी टेलिंग में, जो स्टार्टिंग से थोड़ी स्लो फेस में चलती है। बाकी इसके कॉन्सेप्ट और इसके एक से बढ़कर एक स्टार कास्ट के लिए जरूर देखना। नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी भाई क्या था ये। अगर आप कुछ अजीबो गरीब, कुछ खतरनाक, भयानक, मिस्ट्री टाइप कुछ चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो भी इंटेंस लेवल पे, तो डेफिनेटली ये मूवी आपके लिए शॉक एंड सरप्राइज होगी। साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर के साथ लिव द वर्ल्ड बिहाइंड। भाई एक फैमिली एक लग्जूरियस घर को रेंट पर लेकर रहने आती है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद जो उस शहर में होने लगता है ना, उसे भाई समझा नहीं सकते। कुछ ऐसा जो होना नहीं चाहिए था, कुछ ऐसा एविल मिस्टीरियस टाइप साइबर अटैक जो 3 अलग अलग फेस में पूरे शहर को अटैक कर रही है और में पूरी तरह से खत्म। बवाल लेवल की चीजें स्क्रीन पे चल रही है, और सच में भाई मूवी स्टार्टिंग से ही सवाल पर सवाल करती जाती है। ऊपर से इसके बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी को और भी मिस्टीरियस बनाती है। ऐसी मूवी को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, जिस पर पूरी सीरीज बनाई जा सकती है। मूवी खतरनाक तो है पर कई सारी सवालों का जवाब नहीं देती, जिसके वजह से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। बाकी मूवी को इसके कॉन्सेप्ट के लिए एक ट्राई डेफिनेटली देना। मूवी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी के लिए मेरे पास भाई कोई शब्द नहीं है। डॉक्यूमेंट्री किसी की बायोग्राफी टाइप चीजें देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से डॉक्यूमेंट्री क्राइम ड्रामा सीधा 7.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ द आयरिसमैन। भले मूवी करीबन 3.5 घंटे की है, स्टार्टिंग थोड़ी स्लो जरूर है पर धीरे धीरे पकड़ बनाती है। जरूर देखना, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है।
नंबर वन पे भाई मूवी अगर आपकी इमोशंस को हिट कर गई ना, तो वो मूवी वहीं पे आपका दिल जीत लेती है। ये नंबर वन की मूवी ऐसा ही है, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 24 की इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी के साथ ऑर्डिनरी एंजल्स। स्टोरी एक सिंगल फादर उनके 5 साल की छोटी बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट करानी है, जिसमें खूब सारा पैसा लगेगा। ऐसे मुश्किल हालात में भाई अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे बुरे हालात में एक हेयर ड्रेसर उनके फैमिली के लिए मसीहा बनकर आती है और उस छोटी सी बच्ची का लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जो कुछ भी हो पाता है वो सब कुछ करती है। और सच में भाई सब कम पड़ जाएंगे ऐसे महान लोगों के लिए। और ये सब एक एक सीन रियल में हो चुका है, ऐसे इमोशंस को कभी मिस मत करना। एक बाप अपने बेटी को बचाने के लिए क्या क्या करता है, एक अनजान इंसान आपके लिए मसीहा बनकर आती है। ऐसी सिचुएशन में जब पूरा शहर मदद के लिए आगे आता है ना, तो भाई पूरी कायनात को झुकनी पड़ती है। बस इसीलिए नेटफ्लिक्स हमें पसंद है, जरूर एक्सपीरियंस करो यार, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो ऐसे ही क्वालिटी के लिए आपके तरफ से एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं सही क्वालिटी।